आज के सत्र शुरू करने से पहले मैं सबको मेरी ओर से फिर से एक बार शुभकामनाएं देती हूँ स्वस्थ रहने के लिए। और आज मैं आप लोगों के सामने जो दिखाने की या लाने की कोशिश कर रही हूँ वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो अभी बहुत जरूरी है सबके लिए, छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सबके लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, वो कुछ लाएंगे। और हार्ट ब्लॉकेज ना आए, अभी बीमारी तो किसी भी उम्र में हो सकते हैं, तो हार्ट ब्लॉकेज किसी भी उम्र में ना आए उसके लिए जो करना है मैं आज वही दोनों चीज आप लोग के सामने ला रही हूँ। और आप लोग इसका लाभ उठाए, पहले मैं दिखा रही हूँ, आप लोग पहले देख लीजिए। पहले जो है हम लोग श्वास लेंगे तो नाक से लेकिन छोड़ेंगे मुंह से, 10 बार करके इसको करना है। कैसे करेंगे श्वास, ऐसे हम 10 बार करके करेंगे। फिर इसके बाद जो करेंगे वो है नाक से श्वास लेंगे, 2 सेकंड होल्ड करके जिस गति से हम श्वास को लेंगे उसके दुगना गति से, मतलब डबल स्पीड से उसको फेंकेंगे। ठीक, कैसे करेंगे, करेंगे। इसके बाद जो करेंगे वो है सांस भर के लेंगे, नाक बंद करके भी कर सकते हैं। ऐसे करके 10 बार करके हम लोग ये 3 स्टेप करेंगे। इसके बाद जो करेंगे वो है तीव्र भस्त्रिका, मतलब जल्दी श्वास लेंगे जल्दी श्वास छोड़ेंगे। ऐसे हम कम से कम 1 मिनट तक करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो करेंगे इसको बोलते हैं तीव्र भस्त्रिका के साथ विरेचन क्रिया, जो है सिर्फ ऊपर हाथ रखेंगे खुला, नीचे आएंगे मुट्ठी बंद हो जाएंगे, श्वास को तेजी से फेंकना है। इससे क्या होगा, ये जो सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करा रहे हैं, हमारे अंदर जो लंग्स हैं उसका पंपिंग अच्छे से हो, उसका जो एक्टिविटी है वो अच्छे से हो, तो इसको हम अच्छे से करेंगे, परफेक्शन के साथ करेंगे और इसका हम पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। अब जो दिखाएंगे ये है हार्ट ब्लॉकेज ना आए इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हाथ को ऐसे रखना है जैसे प्रसादी लेते हैं ना, उस तरह से हाथ को रखना है, ऐसे नौ नौ करके हम करेंगे ताली, दूर से हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद इस जॉइंट पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इस हाथ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर माथे के पीछे हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब इसके बाद एक और
स्वास्थ्य के साथ साथ एक चीज करना है, एक्यूप्रेशर के साथ एक्टिव योगा बोला जाता है। क्या करना है? श्वास लेते हुए मुट्ठी को टाइट बंद करेंगे 10 सेकंड होल्ड, फिर श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को खोलेंगे, फिर श्वास लेते मुट्ठी बंद, फिर श्वास छोड़ते मुट्ठी को खोलेंगे, धीरे धीरे आराम से करेंगे। ये कभी भी कर सकते हैं, दिन में 5-6 बार भी कर सकते हैं। ये करने से लाभ क्या होगा हमें? ये करने से लाभ ये होगा, हमारे हाथों में पूरा शरीर बसता है। ऐसे जब मुट्ठी बंद करेंगे, ये जो इंडेक्स फिंगर आया हमारा, ये एड्रेनल ग्रंथि है जो हमारा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, इसके साथ साथ हमारे गैस की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करते हैं, इसके साथ साथ चेहरे पे रौनक भी लाने की कोशिश करते हैं। और ये मिडिल फिंगर जहाँ टच कर रहे हैं, ये होता है किडनी का पॉइंट। रिंग फिंगर हमारा पैनक्रियास को एक्टिव करने में सहायक है, ये जो पॉइंट को टच कर रहे हैं रिंग फिंगर, ये है पैनक्रियास का पॉइंट। और दाएं हाथ का लिटिल फिंगर हमारे लीवर को कंट्रोल करते हैं, और इसके साथ साथ बायां हाथ जो है, बायां हाथ का लिटिल फिंगर हमारे हार्ट को कंट्रोल करते हैं। तो श्वास लेते हुए मुट्ठी बंद, श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी को खोला, ये हम दिन में 5-6 बार करेंगे, 10 बार करके करेंगे, 10 सेकंड होल्ड करके करेंगे। तो आज के सत्र में हमने तो ये सब आप लोगों को दिखाया, और आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर मेरा ये सिखाया हुआ जो माध्यम है शरीर स्वस्थ रखने का, अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को इसके आगे जो और भी बहुत कुछ है आसान तरीके से जो आप लोग स्वस्थ रह सकते हैं। योगा करने का समय अभी बहुत कम है, सब समय कहाँ है सबके पास, लेकिन ये सब चीज आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। आप लोग इसका लाभ उठाइए, और बेल आइकन को दबाने को मत भूलिएगा, वो भी थोड़ा सा कर दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा, और अच्छे से आप लोगों को इसका लाभ उठाइए। मेरी ओर से आपको फिर से शुभकामनाएं देके मैं आज का सत्र शेष करती हूँ।